तो मैं ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गई ना, अपने घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक नया दिन है, एक नया व्लॉग आएगा और आज एक बड़ा स्पेशल दिन है। आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी एक स्पेशल जगह पे और फिर वहाँ से वापसी पर बताऊंगी डिटेल्स। चले पहले हम होते हैं तैयार, बस हमें लेट हो रही। तैयार होते हैं, अब मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैंने बहुत बेसिक सा मेकअप किया है, आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट बाय खादी टुडे एंड मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब मैं नीचे जा रही हूँ, बच्चों को करूँगी चेंज, उनको कराऊँगी तैयार और मैं लेके चलूँगी उनके मामा की तरफ, वहीं पर हम करेंगे नाश्ता। चाय की बहुत क्रेविंग हो रही है, बट अब चलते हैं। सो वैसे ये मेरी इज्जत की लुक है, मेरे बाल रह गए हैं, बालों को जल्दी से कर लेते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 8:30। सो जस्ट इमेजिन, मैं रात को अपने बाल करके सोई थी, लाइक स्ट्रेट भी हो जाएंगे और ज़रा नेचुरल सी एक वेव भी आ जाएगी मेरे बालों में, और एंड आई नॉट गोना लुक रियली लाइक कि ये स्ट्रेट हो गए जैसे अभी टेंड हुए व्हाट नॉर्मल हेयर डज। बट आई एम रेडी, मैं नीचे जाना है, मैंने सिर्फ अपनी इयर रिंग्स पहनने हैं और अपनी वॉच पहननी है, आई एम गुड टू गो। सो लेट्स गो। नाश्ते में आज आया है गरम गरम, गरम तो नहीं है, हलवा पूड़ी और ये मैं खा रही हूँ और मैं व्लॉग करना बिल्कुल भूल गई थी, बट मैं इन्जॉय कर रही हूँ। अल्लाह हुआ है गुड, खा पी लिया है, बहुत गलत नाश्ता हो गया आज सुबह। सुबह मैंने सोचा नहीं था कि इतना हैवी करेंगे, लेकिन खैर आप लोगों को आज मैं अपनी एक बड़ी मज़े की चीज़ शेयर करती हूँ कि मैंने शुरू किया है वाटर चैलेंज, जिसके अंदर मिनिमम ऑफ 3 लीटर का वाटर पर डे मैंने पीना है। सो टुडे इज़ डे वन, मैंने कल तो बिल्कुल भी इतना खास पानी नहीं पिया था, विच इज़ वाई आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो मैं आज अपने साथ कैरी कर रही हूँ अपना ये वाली बड़ी बॉटल एंड एम इज़ के अभी ये वाली ख़त्म करूँगी, घर आऊँगी, आई एम गोना टेक अनदर वन एंड देन वन बॉटल इन द इवनिंग। सो 3 बॉटल्स मैंने पूरे दिन के लिए डिवाइड कर दी हैं एंड दिस आई बिलीव इज़ अ 2 लीटर बॉटल, सो अल्लाह मालिक है मेरा। अब मैं निकल रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैंने पानी का चैलेंज क्यों शुरू किया है। वो इससे शुरू किया है कि रमज़ान में मैंने काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अपना वेट लूज़ किया, अब उसको मेंटेन करने के लिए मैं जितना ज़्यादा पानी पीऊँगी उतना ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर मी। तो अब मैं इसीलिए चैलेंज यही है कि आई एम गोइंग टू ड्रिंक मिनिमम ऑफ 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे इन ऑर्डर टू नॉट गेन अ लॉट ऑफ वेट। एंड इसके पीछे भी एक लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको समझाती गाड़ी में बैठ के। होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ऑटोमेटिकली यू डोंट फील अ लॉट, यू डोंट फील हंग्री एज मच एंड देन ऑफकोर्स जब आप पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं यू कैन ईट एनी थिंग। अगर आप मेरी ये चीज़ फॉलो करेंगे, आपने 3 दिन सिर्फ इतना खाना है कि आपकी बॉडी को ये पता लग जाए कि जी मैं सिर्फ इतना पोर्शन खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, ठीक है। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आई हैव एक्चुअली टेस्टेड दिस बिफोर ऑन माई सिस्टर इज़ वेल अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। और मैंने क्या किया था कि आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, सो होता यूँ है कि जब आप पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा तो आपको भूख भी कम लगती है एंड देन यू इवेंचुअली ऑब्वियसली डोंट गेन अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग अ लॉट एंड योर डाइजेशन इज़ वेरी गुड। पहले हम फ्यूल लगाएंगे, योर डाइजेशन इज़ वेरी गुड, तो इस चीज़ को भी माइंड में हमने रखना है। 3 दिन का रूल ये है कि 3 दिन आपने खाना इस तरह से खाना है कि आपने अपने माइंड को सेट कर लेना है कि जी मैं सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ खाना खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, और आपने रोज़ाना सिर्फ इतना खाना है, यानी कि आधी रोटी खानी है उससे एक नवाला ऊपर नहीं खाना है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, चावल खाने हैं तो हाफ कप खाने हैं मेजर करके, उससे ज़्यादा नहीं खाने हैं। यू कैन टेल योर माइंड कि जी आई कैन नॉट डाइजेस्ट मोर देन दिस। ऑल्टरनेट कर ले, फ्रूट्स खा ले, हेल्दी चीज़ें खा लें, ठीक है। मगर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने अपने माइंड के साथ गेम खेली, यानी यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि जी मैं सिर्फ इतना खा सकती हूँ एंड यू विल बी फुल। 3 दिन करें, 4th दिन से आपकी वो रूटीन बन जाएगी, ऑटोमेटिकली आप खाना खाएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा बस दिस इज़ द राइट अमाउंट ऑफ फूड दैट आई ईट एवरी डे, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती।
एंड ऑटोमेटिकली आपकी वो रूटीन सेट हो जाएगी एंड यू गोना फॉलो द सेम पाथ एवरी टाइम एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस रमजान. मैंने अपने आप की रूटीन यही रख दी थी कि बस मैं इतना खा सकती हूँ, ज्यादा नहीं खा सकती, और उसी चीज को मैं फॉलो कर रही हूँ. हेंस ये पानी पीने का मकसद भी यही है कि पहले भी मैं ये करती थी कि पानी की बोतल जब आपके साथ होती है तो पानी, यू स्टे हाइड्रेटेड. व्हेन यू स्टे हाइड्रेटेड यू डोंट फील लाइक ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक. मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई लव जंक फूड, इसीलिए आई कांट से नो टू एनीथिंग. मैं खाने में कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करती कि हाय मैं चीज़ नहीं खा सकती, हाय मैं केक नहीं खा सकती, हाय मैं मीठा नहीं खा सकती. नो, आई ईट एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई ईट इन अ वेरी मॉडरेट पोर्शन. अगर मैं मीठा खा रही हूँ तो आई नो कि मैं वो मीठा हर बार नहीं खाऊंगी, मैं रोज़ नहीं खाऊंगी मीठा. इट्स गोइंग टू बी लाइक माई सेल्फ, मी ट्रीटिंग माई सेल्फ. मैंने तला को बोला, तला फटाफट सफर की दुआ पढ़ो. तला को लाइक अल्लाह मई नीला कसम, तो उसको अभी भी रोज़ा खोलना है, दिन सुबह के 10 बजे रोज़ा खोलना है. खैर एनी वेज, आई एम ऑफ टू द मीटिंग दैट आई एम हेडेड टू राइट नाउ. और दुआ करें आप लोगों को, मैं वहाँ से निकल के बताऊँगी. अभी आज मैं एक वीडियो लगाई है, आप उम्मीद है कि यू गाइज कैन रेजोनेट विद दैट वीडियो. और उसी के साथ साथ एक और एक छोटा सा और एक सरप्राइज वीडियो आने वाली है विद इन दिस वीक, विद इन दिस वीकेंड आ जाएगी वो वीडियो. सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो एंड जस्ट प्रे. तो जैसे ही मैं वहाँ से निकलूँगी मुझे शेयर वाई आई वेंट देयर एंड एजेंडा क्या था हमारे वहाँ जाने का. उम्मीद है यू गाइज हैव एन आइडिया. पिछली वीडियो देख के शायद थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, नहीं हो गया होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. बस वहाँ से फारिग हो गए. सो चले लेट्स गो. आगे जाकर भी यकीनन ऐसे ही कुछ नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं. इवन दो जो उन्होंने बिजनेस बे बनाया है वो भी बहुत ही प्यारा बनाया है. अगर चांस लगा तो मैं वापसी पे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वो भी, बट देख लें. सारा बचपन इसको देखें ना, ऐसा लगता है कि बस क्या सिंपलर टाइम्स में हम होते थे. वो क्या पुराना कलमा चौक, क्या पुराना कैवलरी, अब तो बिल्कुल ही हर चीज़ बदल गई है. क्या मुझे याद है यहाँ पे घंटों घंटे रश में, ट्रैफिक में, जैम में फंसना पड़ता था, और अब आसानियाँ हो गई हैं, अच्छा हो गया है. ऑफ कोर्स मेमोरीज स्टे देयर, दे नेवर चेंज, मगर नई चीज़ देख के भी खुशी होती है. लेकिन ये अब हमारा नया लाहौर है, इसे कहते हैं नया लाहौर. एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू नून लीग फॉर मेकिंग श्योर ऑल दिस is developed and happened. I am not any party supporter, but I'm just proud ki ji Lahore is developing aur bahut khoobsurat hota ja raha hai waqt ke sath sath. Inshallah aage bhi tarakki karega. Bas is Jinnah flyover se kisi tarah jaan chhut jaye, iski jagah bhi kuch naya aa jaye, but I guess wo apna 100 saal ki guarantee puri kar kar hi hatega. But here is Jinnah flyover for you guys. Isse thodi thodi abhi bhi purani vibes aati hai Lahore ki. पुराना लाहौर है, इस पे जैम ज़रूर होता है, इंसान फंसता ज़रूर है, तो पुराना फील ज़रूर आती है. याद है अभी हम बात कर रहे थे कि इस किसको याद है जिन्ना फ्लाईओवर का असली नाम क्या है. वैसे इसको दो तीन नाम दिए हैं, एक 7 अप ब्रिज कहते हैं, एक इसको जिन्ना फ्लाईओवर कहते हैं. और असल कहानी तो इसकी है ना कि ये हनी ब्रिज कहलाता था और ये शहबाज शरीफ साहब ने अपनी किसी हनी के लिए बनवाया था. ये मुझे बचपन से याद है, बट अभी घर जाके इसको वेरीफाई करके आपको सुनाएंगे सबसे. ये आ गए हम लिबर्टी अली के फिरदौस, नहीं ये हाँ हाँ हम वो फिरदौस के राउट अबाउट पे हैं. फिरदौस नहीं, इसको कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, हुसैन चौक. सो अब हम हुसैन चौक के राउंड अबाउट पे थे और अब हम ये आ गए हैं टूवर्ड्स कसूरी रोड. ये अभी भी वैसे का वैसे ओ जी एरिया है, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स नई बिल्डिंग्स बन गई हैं काफ़ी ज़्यादा. आई हैव नॉट बीन हियर इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. लास्ट आई भी थी तो मैं सिर्फ MM आलम तक गई थी और मैं वापस चली गई थी, बट यहाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह खुल चुकी हैं, काफ़ी खाने पीने की भी जगह खुल चुकी हैं. एंड ऑफ कोर्स पुरानी, ये देखिए हम सिनेमा मॉल के पीछे भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बना चुके हैं. होटल वन के नीचे जेदी खुल गया, लेकिन व्हाट द हेल.
कोई नहीं, ये भी होना ही था। जेदी ने भी काफ़ी तरक्की की है लाहौर में, सो जस्ट लेट्स गो। टाइम काफ़ी है तो मैंने कहा थोड़ा सा हम एक लिबर्टी का राउंड ले लेते हैं, लिबर्टी का नहीं बल्कि राइट और जाए मैं मालूम कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से टर्न काफ़ी लंबा है, तो हम यहाँ से यूँ घूम के यूँ वापस आ जाएंगे। तो ये चक्कर है। अब आपको मैं एमएम आलम का, एमएम आलम, अब किस किस को पता है एमएम आलम क्या है? आपको पता है एमएम आलम क्या है? कौन था जिसने जहाज बनाए थे इंडिया में? अच्छा चलो, वेरी गुड। सो ये उनके नाम पे बनी थी एमएम आलम रोड। और अब इसको देखें, शुरू शुरू में ना हमारा स्कूल यहाँ पे एलजीएस आगे होता था, एक घर के अंदर बना हुआ था, इसको साइलेंट एक घर पे होता था, और फिर वो ब्रांच चेंज हो गई। मेरी जो जूनियर ब्रांच थी वो थी पहले अंदर गालिब मार्केट में, एक गली में घर था वहाँ पे थी, फिर वो चेंज हो गई और वो 1A1 वाली बड़ी ब्रांच में चली गई। वो दो ब्रांचेस थी, टेक्निकली दो बिल्डिंग्स थी। सो ओरिजिनली वो यहाँ कहीं किसी घर में होता था, और यहाँ हम न्यू लुक आया करते थे। आई रिमेम्बर बचपन में बहुत ज़्यादा न्यू लुक आया। और अब एमएम आलम की शक्ल देखिए, अब तो घर भी नहीं पता कौन सा घर था जिसमें स्कूल होता था। इस तरह की पुराने घर थे, इस तरह की गलियाँ थी, यहीं कहीं पर था स्कूल भी। उस ब्रांच में अदब जाया करती थी, मैं नहीं जाती थी। सो अब तो बदल ही गया है पूरा। दिखाती हूँ, ये है मॉल 1, और यहाँ पर ढेर सारे ब्रांड है, टिम हॉर्टन्स भी है, काफ़ी चीज सारी चीज़ें, कपड़े भी मिलते हैं, खाना पीना भी मिलता है। और यहाँ हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लिबर्टी। प्लीज़ अवॉइड द शीशा, आज गाड़ी साफ नहीं हुई, आज हम जरा जल्दी जल्दी में निकल आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। और ये देखें जी, क्या बात है, एरिया बन गया ना एक्चुअली में। अब यहाँ पे काफ़ी समझ लें कराची का जिस तरह से रेजिडेंशियल एरियाज है ना, तो ये उनमें से एक बन चुका हुआ है। आगे काफ़ी बिल्डिंग्स जितनी आपको दिख रही हैं, यहाँ एक बिल्डिंग है पीछे बनी हुई है, वहाँ पीछे 3-4 बिल्डिंग्स बनी हुई है कलमा चौक के करीब, और वो सारे अपार्टमेंट्स की लाइक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। वो बहुत ही प्यारी हैं, लाइक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। आई हैवन बीन देयर बट ऑफ कोर्स मैं हर चीज़ से वाकफ़ हूँ, देखती रहती हूँ, पता लगता रहता है। ये अब हम जा रहे हैं लिबर्टी की तरफ, और आज मेरा पूरा प्लान है कि मैं वापसी में खिदमत सेंटर रुक के अपना लाइसेंस का मसला हल करवा ही लूँ, बिकॉज ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता, मेरे जैसे पता करो बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये देखिए, ये है लिबर्टी, और यहाँ पे है खिदमत सेंटर, दिस इज़ खिदमत सेंटर। सो यहीं पर, ये वाला, यहीं पर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, ये रहा खिदमत सेंटर, ठीक है, यहीं पे आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, यहीं पे सारी आपकी चीज़ें होती हैं, यू गो इन योर ओन कार एंड यू गिव योर ओन टेस्ट, और बड़ी जल्दी अच्छा साफ प्रोसेस है। और अब जैसे चीज़ें ज़रा ठंडी हो गई हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था लाइसेंस के लिए, एकदम से ही हो गया था, बिकॉज उन्होंने एकदम इतना स्ट्रिक्ट लॉ पास कर दिया था। अभी भी है वो लॉ, मगर अब क्योंकि वो ज़रा काम डाउन हो चुकी है सिचुएशन, तो अब उस तरह से ट्रैफिक नहीं होती, इतना ओवरली पॉपुलेटेड नहीं होता खिदमत सेंटर। बिकॉज पहले तो आई रिमेम्बर मैं एक बार गई थी और मैं चिड़ के निकल आई थी कि भाई मुझे नहीं अभी बनवाना, जब ये ठंडा होगा ना तो तब बनाएंगे। तो मैंने लकीली ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, मुझे ऑनलाइन लर्निंग परमिट मिल गया था। ऑल दो फॉर ऑल ऑफ यू आई डिड हैव अ लाइसेंस, बट इट वॉज एक्सपायर्ड, और वो सिंध का था, और मैं पंजाब में बैठी हूँ, और पंजाब में सिंध का लाइसेंस रिन्यू ही नहीं होता। ठीक है गाइस, तो अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अंदर जा रही हूँ अपनी मीटिंग के लिए, जस्ट प्रे फॉर मी, फिंगर्स क्रॉस, ऑल गोज़ वेल, ऑल गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान, एंड कुछ ना कुछ बेहतर ही हो इंशाल्लाह ताला। तो अब चलते हैं, और ऑफ कोर्स आई कांट टेक यू गाइस इनसाइड एंड आई कांट शेयर ऑल द डिटेल्स राइट नाउ, लेकिन मैं अपना काम करके आती हूँ, फिर आप लोग से मुलाकात करते हैं बाद में। आज 2-3 एजेंडाज मैंने रखे, लेट्स होप एंड प्रे कि वो भी हो जाए, सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड। मीटिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, इट वर्क आउट वेरी वेल एंड इट वॉज इन फेवर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अब हम चलते हैं टू आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल।
फिंगर्स क्रॉस्ड हम खिदमत सेंटर जा रहे हैं, अल्लाह करे मेरा लाइसेंस बन जाए, दुआ करें दुआ करें बस दुआ करें बन जाए। अच्छा गाइस, खुशी की बात यह है कि मैं ऑनलाइन टेस्ट में पास हो गई, ठीक है ना, तो मैं ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि मैं जो ना सही चला रही थी, आगे तक मैं बिल्कुल ठीक गई थी, लेकिन जब रिवर्स कर दी ना मैं थोड़ी घबरा गई थी। तो आपने घबराना नहीं है, जब आप देंगे ना आपने घबराना नहीं है, लेकिन हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर से देंगे, इट्स ओके। अब ऑनलाइन तो नहीं देना पड़ेगा, तो आप सिर्फ एक रीटेक होगा टेस्ट का, सो वी कैन डू दैट, बट नाउ वी नो वेयर आई वेंट रॉन्ग, तो हम वो कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लाइक बहुत आसान रहा था, लेकिन था लेकिन नहीं था। ओके बाय। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को एक नसीहत देती हूँ, जिंदगी में टेस्ट वेस्ट ये चीज़ें होती रहती हैं, इनको फन में लेना है, हो गया फेल तो हो गया, नो नॉट अ बिग डील, शुगर है हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, गाड़ी चलानी आती शुक्र है अल्लाह का, कोई बात नहीं, टेस्ट ही था, परमिट अभी भी है मेरे पास, गाड़ी मुझे वैसे भी चलानी आती है, बट इट्स ओके, इट्स नेवर लाइक कि आपने एक दफ़ा दे दिया और उसके बाद नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। दिल पे नहीं लेना, शुगर लगाना है इस बात पे, हंसना है और हंस के कहना है कि हम फेल कर गए, तो क्या हो गया, हम फेल कर गए। इतना प्यारा वेलकम दिया ना मुझे मेरी बेटी ने, हेलो आई, आपने मुझे इतना प्यारा वेलकम दिया, थोड़ा सा दोबारा दे दो, गिव मी पसीतो, दे दो पसीतो। अच्छा आप नहीं दोगी, आप भी दे दो, राया ऑल्सो गिव मम्मी पसीतो, गिव मी पसीतो, आई लव यू। अच्छा जी, मैंने कहा आपको मैं एक दफ़ा थोड़ी सी जल्दी से कंप्लीट लुक भी दिखा देती हूँ, ये मैंने पहना था आउटफिट, साथ में आई पेड इट विद माय एवरीडे शॉर्ट शूज, और ये जी मेरा कुर्ता है। क्या हुआ, हु इज एंग्री? मैंने सोचा आपको जल्दी से अपडेट दे दूँ, ये मैंने बॉटल फिनिश कर ली, अब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, सो अब मैं इसको दोबारा रीफिल करूँगी, लाइक आई सेड ये 2 लीटर की वाटर बॉटल है, सो अब मैं इसमें हाफ भी डालूँ तो अनदर लीटर हो जाएगा, और फिर हम रात को एक और पी लेंगे, प्रॉबेबली इसको फुल कर लेंगे, सो लेट्स सी। मैं घर आ गई थी, मैंने घर आके दाल बनाई, आलू की भुजिया बनाई, रोटियाँ बनाई, खाना खाया, बच्चों को खिलाया, अब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मैं 2 बार कपड़े भी बदल चुकी हूँ, मुझे गर्मी लग रही थी। नाउ आई एम थिंकिंग आई हैव दिस स्टैक ऑफ लॉन्ड्री दैट आई हैव टू पुट इन द किड्स रूम, तो इसको मैं भी कर लेती हूँ, अपने कपड़ों भी ईद वाले धुल के आ गए उनको भी कर लेती हूँ अलमारी में हैंग, एंड देन आई वाज थिंकिंग आई विल टेक अ नैप, लेट्स सी इफ द किड्स लाइक माय प्लान और नॉट, नैप हो सकता है कि नहीं हो सकता। सब ये मैंने बच्चों के टॉयज सारे ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, ये सब के सब लगा दिए हैं, यहाँ पे ये वाले लगा दिए हैं, और अब मैं थक गया हूँ, सब हम थोड़ी देर मैं इनको जगाऊंगी, बिकॉज 8:30 आई एम गोना पुट देम टू बेड, आई एम रियली एग्जॉस्टेड। ये मैं दूसरी बॉटल भर चुकी हूँ, एंड वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग गुड। चलो भाई, अभी भी दिन एंड नहीं हुआ, अब तकरीबन 8 बज रहे हैं, और अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, ठीक है, और यही मेरा काम लगे दिमाग में और दिल में मेरे सिर्फ बज रहे मोए 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 मोए, इतनी मेहनत हमने ये काम करने के लिए की है, ये हम रोटियाँ बनाएंगे, असी ऑन द अदर साइड मैन। हाय हाय, हम वहीं से शुरू हुए थे जहाँ से वहीं पे वापस आ गए हैं, और अब मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, मुझे नहीं पता कितनी लंबी बनी कितनी नहीं लंबी बनी, कुछ दिन लगेंगे एक रूटीन में वापस आने के लिए, ख़ास तौर पे व्लॉगिंग की रूटीन में आने के लिए, तो अपना रखें ढेर सारा ख्याल, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं पम्प्ड रहती हूँ, मुझे मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने का, फिर तो बस अपने ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।